नमस्कार नमस्कार दोस्तों, एक बार की बात है कि एक पहाड़ी के पास कुछ मेंढकों का समूह रहता था और वो आपस में कुछ ना कुछ रोज कोई गेम्स खेलते थे, आपस में बड़े प्यार से रहते थे। आज वो सब मेंढकों ने सोचा कि जो सामने की पहाड़ी है वो पहाड़ी के ऊपर तक जाएंगे। पहाड़ी बड़ी स्ट्रेट चढ़ाई वाली पहाड़ी थी, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि आज सब लोग दौड़ लगाएंगे और देखते हैं सबसे पहले कौन पहुंचता है। तो उसी समय उनकी दौड़ शुरू हो गई और यकायक सब ने भागना शुरू कर दिया। कुछ बड़ी तेजी से आगे निकल गए, कुछ धीरे धीरे चल रहे थे, कुछ पहाड़ी से गिर भी रहे थे। ऐसा करते हुए उनकी दौड़ जारी रही। रेस के चलते सभी मेंढक तेजी से चलते रहे और ऊपर बढ़ते रहे। कुछ ज्यादा एंथुजियास्टिक थे तो वो उछल उछल कर आगे जाते रहे, कुछ धीरे धीरे चलते रहे। आगे चलने वालों में से एक के मन में ख्याल आया कि इस रेस का क्या फायदा, पहाड़ी की ऊंचाई बहुत खतरनाक भी है और फिसलन भी है। अगर गिर गए तो क्या पता नीचे तक गिरे तो मर ही जाएं, और इतनी थकावट करके भी क्या फायदा होगा। तो उसने अपने दोस्तों से कहा कि चलो वापस चलते हैं, ये बेकार है ये रेस। तो वो घूम कर पीछे की ओर मुड़ा और उसके साथ साथ कुछ मेंढक उसके पीछे पीछे जाने लगे। कुछ मेंढक इतना थक गए कि उन्होंने सोचा कि नीचे जाकर भी क्या मिल जाएगा, यहीं पर रेस्ट करते हैं, यहीं पर रिलैक्स करते हैं। तो कुछ मेंढक साइड में लेट गए और कुछ मेंढक दूर तक नीचे की तरफ बढ़ने लगे। अब काफी मेंढक तो साइड पे बैठे हैं या नीचे वापस जाना शुरू कर दिया उन्होंने, लेकिन कुछ ऐसा समूह भी था जो वो आगे बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे सबने नोटिस किया कि जो सब मेंढकों में से सिर्फ एक ही मेंढक है जो आगे बढ़ता जा रहा है, और यकायक क्या देखते हैं कि वो मेंढक वो उस पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर वो जोर से हाथ हिला रहा है कि जैसे उसने बहुत बड़ी एक विक्ट्री हासिल कर ली हो। और नीचे भी सब देखकर उसको बड़े खुश हुए, ये मेंढक तो वहां तक पहुंच गया। चंद ही मिनटों के अंदर वो मेंढक जल्दी से जब नीचे वापस आया तो उन्होंने सबने उसको कहा कि हम तो रोक रहे थे तुमको कि अब ऊपर जाने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन तुम फिर भी पूरी चढ़ाई करते करते जाकर तुमने चोटी के ऊपर पहुंच गए, और जो अकेले ही ऐसे हो जिसने रेस को कंप्लीट किया है और तुम ही जीते हो। लेकिन सबने ये बात उसको कहते कहते रियलाइज किया कि वो मेंढक तो बहरा था, उसको तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तो शायद उसके बहरे होने की वजह से उसको जो ये नेगेटिव बातें थी कि हम में से कोई पहुंच नहीं सकता, हम गिर जाएंगे, हम मर जाएंगे, चलो वापस चलते हैं, चलो रुक जाते हैं, चलो यहीं ठहर जाते हैं, उसने ये सारी बातें नहीं सुनी। और ये सारी नेगेटिव बातें नहीं सुनने की वजह से वो मेंढक ऊंचाई पर पहुंच पाया और वो जीत हासिल कर पाया। मुझे लगता है कि नेगेटिव थॉट्स के साथ जो लोग हमें कई बार जो नकारात्मक बात करके हमें रोकने का प्रयास करते हैं, वो एक ऐसी क्षति हमारी प्रोग्रेस के अंदर पहुंचा देते हैं जिसको हम कभी भी पूरा नहीं कर सकते। सब लोगों को एनकरेज करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। देखिए ये मेंढक, इसके कान ही नहीं है, ये दिव्यांग है। इसी के कारण उसको जो वो डिस्करेजिंग बातें थी वो सुनाई नहीं दी। कई बार दिव्यांग व्यक्ति इतना शक्तिशाली हो जाता है कि उसकी जो कमी होती है वही उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हो जाती है, जैसे कि इस स्टोरी में। हम सब में भी कुछ ना कुछ कमियां तो होती ही हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं होता सिवाय भगवान के। तो अगर आप अपनी कमी को अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनाएं और आगे बढ़ें तो सनरेज की टीम को लगेगा कि हमारा प्रयास सफल हुआ। धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो नीचे दिए गए किसी भी लिंक पर क्लिक करें और लॉगिन करें।